टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित ₹5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वेट आप लोग जानते होंगे, VAT होता है, इसको लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये वस्तुओं पर लगाने वाला एक तरह का कर है। तो इसमें हमें वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात वस्तु पर कितना मूल्य था यह हमें ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको हम एक्स मान लेंगे। माना वेट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य ₹1 था। अब जो वेट है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अर्थात उसकी राशि निकाल लेंगे वेट, और इसको हम हिंदी में लिखते हैं वेट। तो ये हो जाएगी एक्स गुणा उसका 8%, क्योंकि वेट की जो दर है वो है 8%। तो ये हो जाएगा एक्स गुणा 8/100। इसको हम 2 से काट देंगे तो ऊपर तो हो जाएगा एक्स गुणा 4/25, सॉरी ये हो जाएगा 50। अभी और 2 से कट जाएगा तो फिर ये हो जाएगा एक्स गुणा 2/25, अर्थात 2x/25। ये आ जाएगा रुपये। ये क्या हो जाएगा, वेट की राशि। अब जो कुछ हमें दिया है उसके अनुसार हम जमाते हैं। हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य दिया है, जिसने खरीदा है उसके लिए तो क्रय मूल्य है और जिसने बेचा उसके लिए भी क्रय मूल्य है। तो हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य ये दिया है ₹5400। अब ये विक्रय मूल्य कैसे निकाला है, जो उसका मूल्य था हेयर ड्रायर का, ये देखिए, जो वेट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य था उसमें हमने वेट अर्थात उसका टैक्स जोड़ दिया। तो ये आ गया हमारा ₹5400। बस ये इक्वेशन ही जमाने की है। ये आपको समझ में आ गया तो पूरा सवाल करते बन जाएगा। जो मूल्य था एक्स उसमें वेट जोड़ दिया तो ये ₹5400 आ गया। तो अब मूल्य हमने माना था एक्स और वेट हमने निकाला है 2x/25, ये निकाला है हमने यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा ₹5400। अब बस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको तिर्यक गुणा करके हल कर देते हैं। पहले तो यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे एक मानेंगे एक्स के नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा 25। यहाँ पर आ जाएगा 25x/2x=₹5400। इसको हम यही साइड में हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 25×2 27x/25=₹5400। अब इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे एक मान लेते हैं और इसका हम फिर से तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x=₹5400। तो x बराबर हो जाएगा 5400×25/27। इसको हमने 25 से भी गुणा नहीं किया है क्योंकि 27 का इसमें 2 बार भाग चला जाएगा 54 में, तो ये हो जाएगा 27 से कट जाएगा सीधा सीधा, ये आ जाएगा 200×25। 25 दूनी 50 होता है, 27 दूनी 54 होता है, तो ये सीधा सीधा इससे 2 बार कट गया। तो x बराबर आ जाएगा 200×25, अर्थात ये 2 शून्य और 25 दूनी 50, ये आ गया ₹5000। ये देखिए, यहाँ पर मूल्य कम रहता है किसी भी वस्तु में टैक्स जोड़ने से पहले। जब टैक्स जोड़ते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। पिछले क्वेश्चन में बट्टा दिया था तो बट्टा तो अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, तब विक्रय मूल्य आता है। और जब किसी चीज में टैक्स जोड़ा जाता है तो वो अंकित मूल्य में जोड़ा जाता है, उसके बाद मूल्य निकलता है, तब फिर विक्रय मूल्य बनता है। ये थोड़ी समझने की बात है, आप लोगों को करते करते आ जाएगा। टैक्स जोड़ा जाता है और बट्टा घटाया जाता है। तो ये आ गया x बराबर ₹5000।
अब हम आंसर डाल के लिखेंगे इसमें। अतः वेट जोड़ने से पहले जो हमने एक्स माना था, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही हम मान लेते हैं। हमें प्रश्न में पूछा गया था वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, तो बस हम आंसर में लिखेंगे वेट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य जो ₹1,00 था तो उसी की जगह हम लिखेंगे ₹5,000 होगा। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 10 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 11 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।